ये तो रुद्राक्षी की आवाज है। इसका मतलब वो कहीं आसपास है। ये वास की रक्षा कीजिएगा। सूर्यदेव, हमारा निवेदन स्वीकार करें, कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। सूर्यदेव, हमारा निवेदन स्वीकार करें, कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। अरे, ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? इस समय सूर्यास्त कैसे हो सकता है? नारायण नारायण। देवी पौलमी, हमारा कार्य तो हो गया, अब हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं। नारायण नारायण, जैसे आपकी आज्ञा देवी पौलमी, किंतु अब हमें आज्ञा दें। नारायण नारायण। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूर्यदेव। सूर्यदेव ने हमारे साथ पक्षपात किया है। देवी पौलमी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ए लड़की, रोक दो, रुक जा, मैंने कहा रुक जा। पकड़ो इसे। ए लड़की, ठीक तो हो ना? कुछ हुआ नहीं ना बेटा? कुछ नहीं होगा, मैं रानी हूँ। संतोषी, क्या लगने का काम है? छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आप ख्याल रखिए। तुम लोगों को क्या लगा था कि बच जाओगे? नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे जी ने अपनी शादी के कुछ कार्ड छपवाए हैं। जी नहीं, कार्ड वार्ड तो नहीं छपवाए। तो फिर हम ये शादी नहीं रोक पाएंगे। I mean, कोर्ट को कुछ तो सबूत चाहिए होगा ना। मान लीजिए हम उनकी शादी के वक्त पुलिस लेकर पहुंच भी जाते हैं तो क्या होगा? वो कुछ बहाना बना सकते हैं, मसलन ये कोई पूजा हो रही है या कोई और बहाना बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे एक रास्ता है जी। क्या? अगर आप धैर्य जी की शादी की रिकॉर्डिंग मुझे लाकर दे देते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार तो करवा ही सकता हूँ। वकील साहब, शादी ही हो जाएगी तो ये सब करके क्या फायदा होगा हमें? वो भी है, तो फिर आप ही लोगों को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कौन सी बात? मैं कृष्णा आंटी को मम्मा नहीं बुलाऊंगी। ठीक है बाबा, जो बोलना वो बोलना, पर वैसे भी क्या फर्क पड़ता है? हमारा रिश्ता जो है वो क्लोज है, तो आप सिर्फ मेरे बारे में सोचिए कि मुझे क्या बुलाइएगा आप। जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तभी तो इतनी जल्दी शादी कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको अडॉप्ट कर सकूँ। ड्राइवर जल्दी पंजाब एयरपोर्ट चलो, वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी।
वहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया सचिव, मैंने देखा था, वो कुछ खरीद रही थी। अच्छा एक मिनट, पीछे लेना गाड़ी। अरे कहा था ना कोई भी नहीं है, चलो गाड़ी में बैठो। अरे की उम्मीद है, क्या पता रुद्राक्षी धैर्य को समझा पाई होगी कि नहीं। उसने कोशिश जरूर की होगी काका। संतोषी माँ से यही प्रार्थना है कि वो अपनी कोशिश में सफल हो जाए। को अपनी भक्त माना है, जब बंगाली बाबा को नहीं, हमारी परम भक्त दक्षा समाधि नहीं लेगी। ये बंगाली बाबा कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। दक्षा देवी चुप रहो बंगाली बाबा, ये हमारा आदेश है, दक्षा समाधि नहीं लेगी। देवर जी, तुम्हें क्या लगा तुम हमारी गर्दन काट के हाथ में दे दोगे और हम चुप बैठे रहेंगे? अरे हमने भी बचपन में बहुत रामलीला की है, अब वो कला किस दिन काम आएगी? दक्षा देवी की जय! दक्षा देवी की जय! दक्षा देवी की जय! भक्तों, अब से देवी दक्षा भी प्रभु शेषनाथ की सेविका रहेंगी। इन्हें मोह और माया से मुक्ति मिल गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि देवर जी को गुट्टी पिलाने के चक्कर में हमने अपना ही मुंह कड़वा कर लिया हो? तो सभी लोग मिलकर देवी दक्षा को प्रणाम करो। बोलो देवी दक्षा की, दक्षा देवी की जय! दक्षा देवी की जय! देवी, सभी लोग देवी दक्षा को प्रणाम करो। प्रणाम, अरे साष्टांग प्रणाम करो, तुम साष्टांग प्रणाम करो। दक्षा देवी, अब आप ही हमारी कर्ता धर्ता है। भक्तों, हम इस जीवन में क्या लेकर आए थे जो अपने साथ लेकर जाएंगे? आंखें झुका के क्यों बात करी, नजर मिला के क्यों नहीं बात करी मुझसे? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रही, कहीं ऐसा तो नहीं किया पंजाब में? आप सच क्यों नहीं कह रही थी आंटी कि कापती आंटी हमारा पीछा करी और वहाँ पे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी?